हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आवर योर चैनल कुंज ऑफिशियल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो बैकग्राउंड से देख सकते हो मैं आज कहीं गई हूँ। जी हाँ, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है और देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जी हाँ, और यहाँ पे और ये है फूल का काउंटर जहाँ पे लोग फूल ले रहे हैं मंदिर में जाने। और यहाँ पे देखो चप्पल जूता स्टैंड है, यहाँ पे लोग अपने चप्पल जूता को स्टैंड में लगा रहे हैं। और ये है इस्कॉन टेम्पल जो कि पटना में है। जी हाँ, अशोक सिनेमा वाले रोड में है, अगर आपको याद होगा स्टेशन के पास ही है। और ये जो मंदिर है इसका इनॉग्रेशन जो हुआ था वो 3 मई 2022 को हुआ था। और ये इसकी लंबाई की अगर बात करूँ तो 108 फीट ऊंचा ये मंदिर है। और ये जो है ये मंदिर के बाहर का है, देख सकते हो सारे लोग श्रद्धालु पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था और शाम का टाइम था तो लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, देख सकते हो। और मंदिर बना भी बहुत खूबसूरत है। मैं आप लोगों को अगर पटना से हो, बिहार से हो तो मैं कहूँगी एक बार ज़रूर आप लोग इस मंदिर में जाएं। और फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। तो ये जो स्टेयरिंग देख रहे हो ये है एंट्री के लिए। जी हाँ, ये सीढ़ी से लोग ऊपर आते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो मैं कुछ बोल रही हूँ बट मेरी आवाज़ आ नहीं रही थी तो मैं सोची क्यों ना वॉइस ओवर कर लूँ। और मैं दिखा रही हूँ अपने कैमरे से कितनी भीड़ है और बाहर भी मैं दिखा रही हूँ। अब फिलहाल चलते हैं मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग आ गए मंदिर के अंदर में और यहाँ पे हरे कीर्तन कर रहे हैं कुंज के पापा और कुंज। और यहाँ मैं सोची कि क्यों ना अपने कैमरे को घुमा के पूरे मंदिर का दर्शन करवाया जाए आप लोगों के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो श्रद्धालु जो है बैठे हैं और जो आ रहे हैं वो प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। और तीन मंदिर है और तीनों में पुजारी जी हैं। और ये जो मंदिर है वो राधे कृष्ण का है, राधे कृष्ण का भी दर्शन करवाऊँगी आपको, बहुत ही अच्छा है। और मैं अपने कैमरे से जूम करके लेने की कोशिश की, फिलहाल तो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो कुंज के पापा हैं कुंज को गोदी में लिए हुए और यहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं, देख सकते हो आ रहे हैं जा रहे हैं। और बने रहिए, दिखाती हूँ आपको कि कितना खूबसूरत मंदिर है अंदर में। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे देख सकते हो, कोई सेल्फी ले रहे हैं तो कोई फ़ोटो खींच रहे हैं, कोई मेरी तरह वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे, देख सकते हो हर एज के लोग आते हैं। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर यहाँ पर जाके विजिट करें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांति मिलेगा। और फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो मैं एक बार कैमरा घुमाई और कैमरे में मैं भी आ गई। और यहाँ पर कुंज के पापा भी हैं, देख सकते हो। और कहते हैं कि अगर देव मंदिर आप जाते हो, कोई भी मंदिर जाओ, तो वहाँ पे 5 या 10 मिनट आप ज़रूर बैठे क्योंकि उससे सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है। यहाँ पे देख सकते हो मैं हूँ और फिर हम लोग बैठे थे, आधा एक घंटा बैठे थे। तो यहाँ पे देख सकते हो मम्मी हैं, प्रसाद लिए, हम लोग प्रसाद चढ़ा लिए थे तो पंडित जी वापस किए थे वो। और कुंज यहाँ पे हरि कीर्तन कर अपने पापा की गोदी में। फिलहाल मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा था। और बने रहिए मेरे ब्लॉग में और अब मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। जी हाँ, राधे कृष्ण जी का जूम करके मैं ली हूँ अपने कैमरे से। और यहाँ पे देख सकते हो राधे कृष्ण का मंदिर है, मूर्ति देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ तो उमड़ ही रही है क्योंकि शाम का टाइम था और 7 बजे आरती होती है तो सारे लोग पहुँचे थे। हम लोग भी शाम को ही पहुँचे थे तो 7 बजे की आरती हम लोगों को मिल गई थी। तो आप लोग प्रणाम कर लीजिए और जिसकी जो मनोकामना है वो अपने भगवान से मांग लीजिए। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं अपने ब्लॉग में ले आई भगवान को। और यहाँ पे देख सकते हो ये है तुलसीदास जी का सीन बना हुआ है, जब मंदिर से आप बाहर निकलते हो उस टाइम का है, एग्जिट गेट जब जिधर आता है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो राम जी लक्ष्मण जी हैं
हैं, बहुत सारे हैं लेकिन दो तीन जगह मैली, और यहाँ ये काउंटर है, यहाँ पे आप दान दे सकते हो, बुक खरीद सकते हो, और आरती के लिए, जी हाँ आरती में प्रसाद के लिए भी, खिचड़ी के लिए 3100 था और हलवा के लिए 5000 था। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे जो हवी हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरी सासू माँ और कुंज, ये दोनों दान दे रहे हैं मंदिर के लिए। और उसके बाद आते हैं आगे, बने रहिएगा। और यहाँ पे देख सकते हो हल के साथ, मुझे आई थिंक ये पिक देख के लग रहा है कि राजा जनक है जो कि खेत में हल चला रहे हैं और सीता माता को ले रहे हैं गोदी में। और यहाँ पे देख सकते हो सामान है और सारे लोग ले रहे हैं मोती माला, जो भी दीप यहाँ से ले रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो लड्डू गोपाल का कपड़ा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो धूप वूप यहाँ पे लोग खरीदते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कुंज अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा है। इधर इधर मंदिर की तरफ जाइए। और ये है कुंज। और मैं एक बात बताऊं, कुंज किसी के भी गोदी में जा रहा था, उसको ये नहीं लग रहा था कि न्यू लोग हैं। यहाँ पे देख सकते हो इनसे वो कभी नहीं मिला, लेकिन उसके उनके गोदी में जाके राधे राधे कह रहा है। अब 7 बज गया है और मेन गेट खुल गया है। जी हाँ, आरती के टाइम में मेन गेट खुल जाता है। और ये कुंज जो है वो अंदर चला गया, और यहाँ पे कुंज की दादी अब अंदर जा रही है और जा रही हैं। और यहाँ पे देख सकते हो मैं हूँ और सारे लोग, कुछ लोग निकल रहे, कुछ लोग जा रहे हैं क्योंकि आरती का टाइम हो चुका है। और यहाँ पे कुंज की शरारत देख सकते हो, एक कपल को वो कैसे परेशान किया गोदी में जाके। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ भी कुंज बहुत सताने कर रहा था, छोटे बच्चे हैं बट वो सबके साथ मिल जाता है, इन लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं सोची क्यों नहीं इन लोगों के साथ वीडियो बना लूं। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग आरती में शामिल हो जाइए, आरती का मेन वॉइस मैं छोड़ के जाती हूँ, तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ आरती हो रहा है मंदिर में, बहुत ही भव्य लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी हाँ, आरती में शामिल होना एक सौभाग्य की बात होती है। तो मैं दूर में पटना में ही रहती हूँ बट हमारे घर से दूर है मंदिर, लेकिन आरती मुझे मिल गया, हम लोगों को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे कुंज को देख सकते हो, कुंज के पापा गोदी में लेके उसे जय जय करवा रहे हैं और सारे लोग कर रहे हैं। मेन वॉइस के साथ मैं छोड़ के जाती हूँ। आरती खत्म होने के बाद हम लोग घर के लिए निकले, तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं, ये है एग्जिट स्टेयरिंग। जी हाँ, एग्जिट यहाँ से ये सीढ़ी जो है वो नीचे आने के लिए बना हुआ है। और उसके बाद हम लोग को भूख लग गई थी, यहाँ पे देख सकते हो उतर गए हम लोग, यहाँ मम्मी उतर रही सीढ़ी से। उसके बाद हम लोगों को भूख लग गई थी, रात को ज़्यादा ही हो गई थी, 8-9 बज रहा होगा,
तो हम लोग चले गए रेस्टोरेंट, जी हाँ आनंद विहार, जो कि पटना में ही है। और यहाँ पे हम लोग डिनर में पनीर की सब्जी, मशरूम की सब्जी और नान, जी हाँ हम लोगों ने खाया। उसके बाद फिर घर आ गई। कुंज आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कुंज सो गया था। तो कैसा लगा हमारा आज का ये ब्लॉग आप लोगों को प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ एक छोटा सा ये डिनर का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ एक बार फिर से मैं कहती हूँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ मम्मी।